पहाड़ियों के पीछे बसा एक गांव, जिसका नाम उस गांव के लोगों ने मरघटपुर रख दिया था। उस गांव में कोई भी आता तो बच के नहीं जाता। शहर से एक लड़की टीना नाम की उस गांव में आ रुकती है। आधी रात हो रही थी, सारे गांव वाले सोए थे, तभी उसकी नज़र एक सजी औरत पर जाती है। आधी रात में वो औरत गहनों से लदी हुई थी और टीना को देख के रुक लेती। टीना का रास्ता रोक वो पूछती कि वो कौन है और इस गांव तक कैसे पहुंच गई इतनी रात में। तभी टीना जवाब देती कि मैं शहर से आई हूं और इस गांव में अपना कुछ बिजनेस करना चाहती हूं। अगर आप लोग मेरी मदद करें तो मैं इस गांव को विकास करने में बहुत मदद करूंगी, क्योंकि ये गांव पहाड़ों के पीछे बसा हुआ है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। आप लोगों को कुछ खाने का सामान या फिर कपड़ा लाता खरीदने के लिए शहर जाना पड़ता होगा। टीना की इन बातों को सुन वो औरत कहती, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमें बहुत कष्ट होती है। टीना को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो जिससे बात कर रही है वो सारी औरत इस गांव की पाखंडी औरत थी। वो सिर्फ टीना के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। वो खुद को इस गांव की मुखिया बताती है, कहती है कि आप जब भी आओगी मैं आपको ऐसी ही सजी धजी दिखाई दूंगी, आप यहीं ठहरिए, मैं अपनी बेटी को आपके पास भेजती हूँ। टीना उससे कहती, अच्छा ठीक है। इतने देर में टीना की आँख लगने लगती और जब वो आँख खोलती वो खुद को कहीं और पाती। वो ऐसा देख चकित रहती, तभी उसके सामने एक और गहनों से लदी लड़की आती है, जो कि अपना नाम माधुरी बताती है। माधुरी टीना से कहती, देखो मेरी माँ ने आपके बारे में बताया है, आप मरघटपुर कैसे आ गए, यहाँ तो कोई नहीं आता। टीना कहती, देखो माधुरी, मुझे तुम एक बात बताओ, इस गांव का नाम मरघटपुर क्यों पड़ा है? ना ही मुझे यहाँ कोई दिखाई दे रहा है और तुम लोग दिखाई दे रही हो, तो इतने गहनों में सजी हुई आधी रात में क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? माधुरी कहती है, आप जिस काम से आई हैं वो काम से मतलब रखिए मैडम जी, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। टीना चकित हो जाती है। तभी वो माधुरी रोने का जोर जोर से नाटक शुरू कर देती है। टीना उससे पूछती कि उसने ऐसा क्या कह दिया कि वो रोने लगी, और वहाँ देखते ही देखते ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो जाता, माधुरी गायब हो जाती और वो खूबसूरत गांव एक झोपड़पट्टी के रूप में बदल जाता, बहुत ही वीरान झोपड़पट्टी। और वो बुजुर्ग औरत टीना से कहती, अब कैसा लग रहा है मेरा चेहरा? वो सुंदरता तुमसे देखी नहीं गई। और फिर वो एक पिसाचनी का रूप ले लेती। पिसाचनी टीना के सामने आती, उसे देख टीना घबरा जाती और कहती, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैं यहाँ अपने बिजनेस के लिए आई थी। तभी वो पिसाचनी टीना से मदद मांगती और कहती, अगर तुम इस गांव की नहीं हो तो शायद तुम मेरी मदद करोगी। टीना कहती, तुम तो खुद एक पिसाचनी हो, तुम्हें किसकी मदद की ज़रूरत है? पिसाचनी अपनी दुख भरी कहानी टीना को बताती और कहती, कैसे उसके साथ इन गाँव वालों ने अन्याय किया है। वो उन माँ बेटी का ढोंग टीना से बताती और कहती, उनके पास कुछ तंत्र विद्या है जिससे कि उन लोगों ने हमें बांध के रख लिया है, इसलिए हम लोग उन्हें अपना शिकार नहीं बना सकते। मुझ जैसी इस गांव में लाखों पिसाचनी भरी हुई है जो कि वर्षों से मारी जा रही हैं। शहर से भी कोई आता तो लौट के नहीं जाता, वो तो मेरी नज़र तुम पर अचानक पड़ गई, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गई सच्चाई बताने के लिए। टीना ये सारी बातें सुन के चकित हो जाती और पूछती कि ऐसा क्यों किया उन लोगों ने। तभी वो पिसाचनी कहती, धन के लिए, सारे गांव वालों का धन उन लोगों ने हड़प लिया और अब इस गांव की वो लोग मालकिन बन गई हैं, तंत्र विद्या से हम सबको कैद कर ली। देखते देखते वो पिसाचनी गायब हो जाती और अपनी कुछ शक्तियाँ टीना को दे जाती। टीना गाँव वालों को देख के बिल्कुल नहीं घबराती और उन लोगों को धमकी देती कि मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है और इस गांव की सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। गांव वाले घबरा जाते हैं, इतने दिनों से चला हुआ उनका ढोंग अब ख़त्म होने वाला था।
टीना जैसी समझदार लड़की इस गांव में आती तो इस गांव में अब आगे से किसी की मृत्यु नहीं होती। मरघटपुर से टीना उस गांव का नाम सुंदरपुर रख वहां के लोगों को विकसित करती और सब कुछ वहां उनके लिए जुगाड़ करके लाती। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें।